माय डियर फ्रेंड, जीके जीएस प्रैक्टिस सेट के प्रैक्टिस सेट 24 के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं प्रतिदिन 100 चुनिंदा क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट करवाता हूं। इनमें उन सभी प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है जो या तो किसी एग्जाम के पूछे गए प्रश्न हैं या आने वाले परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा लें, क्योंकि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, रेलवे, एनटीपीसी, बिहार दरोगा, यूपी दरोगा, यूपीपीएससी या फिर बीपीएससी की, तो आपके लिए यह सेट बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और आंग्ल भारतीय को विशेष प्रावधान शुरुआत में कब तक के लिए किया गया था? पहला ऑप्शन है 1991, बी ऑप्शन है 1982, सी ऑप्शन है 1975, डी ऑप्शन है 1960। सही आंसर होगा डी नंबर, 1960 तक अनुसूचित जाति, जनजाति और आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों के लिए विशेष प्रावधान रखा गया था। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई थी? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 338, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 250, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 180, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 142। मैं आपको बता दूं, यह एक पूर्ण सेट होता है। पूर्ण सेट कहने का मतलब है इसमें सामान्य अध्ययन के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर किया जाता है। साइंस, इतिहास, भूगोल, करंट अफेयर, भारतीय राज्य व्यवस्था, इन सभी के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसीलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 338। इसके ही तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई थी। निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? संवैधानिक निकाय कहने का मतलब जिसका संविधान के अनुच्छेद के तहत उल्लेख किया गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। सही आंसर होगा डी नंबर, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। जैसा कि आपने अभी देखा था, अनुच्छेद 338 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। आपको बी ऑप्शन भी शायद सही लग रहा होगा, बट वो सही नहीं है। मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक वैधानिक आयोग है, वह संवैधानिक आयोग नहीं है। काका कालिलकर आयोग का संबंध किससे है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से, पिछड़ा वर्ग आयोग से या आंग्ल भारतीय समुदाय से? सही आंसर होगा पिछड़ा वर्ग आयोग से, सी नंबर आपका सही आंसर होगा। काका कालेलकर समिति की ही सिफारिश पर पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 से 342 तक किससे संबंधित है? या भारतीय संविधान का अनुच्छेद 330 से 342 तक किसकी व्याख्या की गई है? अखिल भारतीय सेवाओं से, निर्वाचन आयोग से, ग्राम पंचायत से, लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण तथा प्रतिनिधित्व से? सही आंसर होगा डी नंबर, लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण तथा प्रतिनिधित्व से। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति दोनों को मिला के टोटल 131 सीट जो है वह आरक्षित किया गया है, जिनमें से 84 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और 47 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति कहने का मतलब आदिवासी संप्रदाय से होता है। यह लोकसभा में जो हमारा सीट है, 545 जितने सीट हैं उसमें से 131 सीट आरक्षित है। जिस समिति की सिफारिश के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिया गया है, वह किसकी अध्यक्षता में गठित हुई थी?
मीन्स ओबीसी को जो 27% आरक्षण दिया गया था उस समिति की अध्यक्षता किसने किया था? जोगेंद्र नाथ मंडल, बीपी मंडल, दिलीप सिंह भूरिया या यूएन ढेवर? सही आंसर होगा बी नंबर। बीपी मंडल आयोग की सिफारिश पर ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया था, जो आज भी हमारे प्रतियोगिता परीक्षा में भी लागू होता है, ओबीसी का 27% आरक्षण। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की व्याख्या की गई है? अनुच्छेद 76 में, अनुच्छेद 153 में, अनुच्छेद 148 में, अनुच्छेद 127 में? सही आंसर होगा सी नंबर। अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की व्याख्या की गई है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को इंग्लिश में कॉम्पिटोरल एंड ऑडिटर जनरल कहा जाता है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में CAG कहते हैं। मैंने इस पे वीडियो भी बनाए हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, भारतीय राज्य व्यवस्था के प्लेलिस्ट में आपको यह मिलेगा, आप वहाँ से देख सकते हैं और इसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त आयोग, योजना आयोग, इन सभी पर वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री? सही आंसर होगा बी नंबर। राष्ट्रपति के द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? 6 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए, समयावधि तय नहीं है, या फिर डी नंबर 3 वर्षों के लिए? सही आंसर होगा ए नंबर। 6 वर्षों के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना त्यागपत्र किसे देता है? वित्त मंत्री को, लोकसभा स्पीकर को, राष्ट्रपति को, या फिर प्रधानमंत्री को? सही आंसर होगा सी नंबर। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह, लोकसभा में प्रस्ताव पास करके, केवल वित्त मंत्री की सलाह से? सही आंसर होगा ए नंबर। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है, उसी के द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के को उसके पद से हटाया जाता है। मैंने जब उच्चतम न्यायालय पढ़ाया था तब भी इसकी चर्चा की थी, और जब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पढ़ाया था तब भी इसकी चर्चा की है। तो आप भारतीय राज्य व्यवस्था के प्लेलिस्ट में जाके इन दोनों वीडियो को आप देख लीजिए। रक्त के प्रमुख कार्य क्या हैं? परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, सुरक्षा, प्रोटेक्शन, या फिर विनिमयन, रेगुलेशन, या फिर उपरोक्त सभी? सही आंसर होगा डी नंबर, उपरोक्त सभी। रक्त के जो मुख्य कार्य होते हैं वह परिवहन का होता है, या CO2 तथा O2 का हीमोग्लोबिन के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह परिवहन होता है। प्रोटेक्शन के लिए WBC होता है, वाइट ब्लड सेल, या हमें सुरक्षा प्रदान करता है, रोगरोधी क्षमता प्रदान करता है। इस तरह से आपका सही आंसर डी नंबर होगा, उपरोक्त सभी। लाल रक्त कोशिकाओं को डैश के रूप में भी जाना जाता है, एरिथ्रोसाइट्स, प्लेटलेट्स, ल्यूकोसाइट्स, इनमें से कोई नहीं? लाल ब्लड सेल, प्लेटलेट्स और वाइट ब्लड सेल, ये सभी रक्त के पार्ट होते हैं और इनका कुछ साइंटिफिक नेम होता है, एग्जाम में वो आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है, लाल रक्त कोशिकाओं को किसके रूप में जाना जाता है?
एरिथ्रोसाइट्स, प्लेटलेट्स, ल्यूकोसाइट्स या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा ए नंबर। लाल रक्त कोशिकाओं को, रेड ब्लड सेल को साइंटिफिक भाषा में एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। प्लेटलेट्स को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? ग्रैन्युलोसाइट, मोनोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, ग्लोबुलिन। सही आंसर होगा सी नंबर। थ्रोम्बोसाइट के नाम से प्लेटलेट्स को जाना जाता है। तो अभी तक आपने दो सीखा, एरिथ्रोसाइट्स लाल ब्लड सेल को कहा जाता है, रेड ब्लड सेल को कहा जाता है और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। उन घटकों का नाम बताइए जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं। मानव रक्त के प्लाज्मा में जिसमें मैक्सिमम जल पाया जाता है, तो आपको यहाँ पे बताना है कि प्लाज्मा में क्या क्या और पाया जाता है। प्रोटीन, गैस, पोषक तत्व, उपरोक्त सभी। सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। प्लाज्मा में प्रोटीन, गैस और फिर न्यूट्रिएंट, ये सारे चीज पाए जाते हैं। श्वेत रक्त कणिकाओं को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2, 3, 4 या फिर 5। यहाँ पे बस आप मुख्यतः समझिएगा, क्योंकि श्वेत रक्त कणिकाओं के बहुत सारे पार्ट होते हैं, लेकिन फिर भी मुख्यतः कितने भाग में विभाजित किया गया है आपसे यह पूछा गया है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपका आंसर होगा बी नंबर, 3 भाग में बांटा गया है। 3 आपका सही आंसर होगा, जिनके नाम हैं ग्रैन्युलोसाइट्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। तो 3 नाम कौन कौन से हैं आप एक बार फिर से सुन लीजिए, ग्रैन्युलोसाइट्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। ये सभी वाइट ब्लड सेल के पार्ट होते हैं। इनके भी कई पार्ट होते हैं, लेकिन आपको मुख्यतः जानना है कि वाइट ब्लड सेल के 3 पार्ट होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। रक्त का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, प्लाज्मा या फिर प्लेटलेट्स। ये 4 जो हैं यही रक्त के पार्ट होते हैं और इनमें से आपको बताना है कि सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है। सही आंसर होगा सी नंबर, प्लाज्मा जो है यह रक्त का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें रक्त या प्लाज्मा का तरल भाग रक्त कोशिकाओं से अलग हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मेटिसिस, प्लाज्मफोरोसियोसिस या फिर प्लाज्माफेरेसिस, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा, जब रक्त या प्लाज्मा का तरल भाग उससे अलग हो जाता है तो उसे हम सी नंबर, प्लाज्मा फेरेसिस कहते हैं। आपने सुना होगा एक टेस्ट का नाम होता है सीरम टेस्ट, जिसमें से ब्लड का थक्का क्लॉटिंग जो होता है उसी का उपयोग किया जाता है। क्लॉटिंग कहने का मतलब होता है जब उससे तरल भाग बाहर हो जाता है, तो वह सीरम टेस्ट में इसी प्रोसेस का उपयोग किया जाता है, प्लाज्मा फेरेसिस। प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग अन्य श्वसन संक्रमणों के कई प्रकोपों में किया जाता है। प्रकोपों का नाम बताइए, मतलब प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग किन किन बीमारियों में किया जाता है? SARS-CoV-1, H1N1, MERS-CoV-D, उपरोक्त सभी। ये सभी बीमारियों के नाम हैं। आपको बताना है कि प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग किस में किया जाता है। सही आंसर होगा डी नंबर, प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग श्वसन संबंधी जितनी भी बीमारियां होती है उसे ठीक करने के लिए किया जाता है। मैं आपको बताऊं, अभी हाल ही में COVID-19 का इतना प्रकोप है और सबसे कारगर जो उपाय होता है वह प्लाज्मा थेरेपी ही होता है। जो व्यक्ति COVID-19 से मुक्त हो चुके हैं, जिन्होंने बीमारी को हरा दिया है,
उनके रक्त से प्लाज्मा निकाला जाता है और मरीज के रक्त में डाला जाता है। उसमें एंटीबॉडी बना हुआ हो रहता है जो मरीज को जल्दी से ठीक होने में मदद करता है। वर्तमान में हम कितने तत्वों को जानते हैं? अभी तक जो ज्ञात तत्व हैं वह कितने हैं? 118, 119, 120 या 117? जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको सामान्य अध्ययन के हर एक सेक्शन से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो ऐसे ही अन्य प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सही आंसर होगा ए नंबर। अभी तक जो ज्ञात तत्व हैं उनकी संख्या 118 है। निम्न में से कौन सा धातु को चाकू की मदद से काटा जा सकता है? सोडियम, पोटेशियम, गैलियम, उपरोक्त सभी। सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। इन सभी धातुओं को चाकू की मदद से काटा जा सकता है। एक लिथियम भी छूट गया है। सोडियम, पोटेशियम, गैलियम और लिथियम, ये सभी ऐसे धातु हैं जो बहुत ही मुलायम होते हैं और इन्हें चाकू की मदद से काटा जा सकता है। लाल सेना का गठन किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विश्व वर्ल्ड हिस्ट्री से यह प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। कार्ल मार्क्स, ट्रॉट्स्की, केरेंस्की, स्टालिन। सही आंसर होगा बी नंबर, ट्रॉट्स्की। यह रूसी क्रांति जो है उससे ही संबंधित है और सोवियत संघ में इसका नाम रखा गया था। पहले तो लाल सेना इसीलिए कहा जाता था क्योंकि साम्यवाद, जो साम्यवाद विचारधारा था, उसका प्रारंभिक रंग ही लाल था, इसीलिए इसे लाल सेना के नाम से जाना जाता था। बाद में इसे सोवियत सेना भी कहा जाने लगा। जो 1917 का रूस की क्रांति है उसमें इस सेना ने महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। तो आपका सही आंसर होगा बी नंबर, ट्रॉट्स्की। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, जैनों का, हिंदुओं का, मुसलमानों का, बौद्धों का। सही आंसर होगा डी नंबर, त्रिपिटक बौद्धों का धर्म ग्रंथ है और इसमें से जो धार्मिक ग्रंथ है वह है। और ये तीन पिटक जो कहा गया है ये कौन कौन से हैं, आपसे ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो उन तीनों का नाम है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? मोहम्मद बिन कासिम, सुल्तान महमूद ने, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने, या मोहम्मद गोरी ने? किसने नष्ट किया था सोमनाथ मंदिर को? सही आंसर होगा बी नंबर, सुल्तान महमूद गजनवी ने। पूरा नाम सुल्तान महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को विनष्ट किया था। बाद में राजा भीम, जो कि गुजरात के राजा थे, और मालवा के राजा राजा भोज ने इस सोमनाथ मंदिर को पुनरुद्धार करवाया था। सोमनाथ मंदिर गुजरात में ही स्थित है और यह बहुत ही फेमस मंदिर है। और जो नष्ट करने की बात मैंने कही थी, महमूद गजनवी ने जो 1025 में हमला करके सोमनाथ मंदिर को लूटा था, उसकी चर्चा अलबर्नी ने की है। बहमनी साम्राज्य की राजधानी क्या थी? बीजापुर, गुलबर्गा, रायचूर, बेलगांव। सही आंसर होगा बी नंबर, गुलबर्गा जो थी वह बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी। 1347 ईस्वी में एक तुर्क अफगान शासक अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया था। मैं एक बार फिर से बताता हूँ, एक तुर्क अफगान शासक अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया था।
राजा राम मोहन राय का सरोकार नहीं है, मीन्स राजा राम मोहन राय किस चीज़ से संबंधित नहीं है, सती प्रथा की समाप्ति से, विधवा पुनर्विवाह से, संस्कृति की शिक्षा से, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा सी नंबर, संस्कृति की शिक्षा से राजा राम मोहन राय का संबंध नहीं है, जबकि सती प्रथा और विधवा पुनर्विवाह के उन्मूलन में राजा राम मोहन राय ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ है? कल्याणी, वारंगल, देवगिरी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा सी नंबर, देवगिरी यादव सम्राटों की राजधानी है। अब से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिस समय अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, तो उस समय दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण महत्वपूर्ण आक्रमण माना जाता है, तो उसने देवगिरी पर आक्रमण किया था, और उस समय देवगिरी में कौन से यादव सम्राट राज्य कर रहे थे? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा रामचंद्र देव, यादव सम्राट रामचंद्र देव उस समय शासन कर रहे थे देवगिरी पर, जिसे अलाउद्दीन खिलजी के ही सेनापति मलिक काफूर ने जीता था। आप यह सीन भी देखे होंगे, पद्मावत जो मूवी है उसमें यह सीन दिखाया गया है। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? मुबारक शाह खिलजी ने, महमूद गजनबी ने, मुबारक शाह खिलजी दो बार हो गया है, कोई बात नहीं, और डी ये सभी। सही आंसर होंगे सी नंबर, या फिर आप ए भी सही कह सकते हैं क्योंकि दोनों ऑप्शन सेम लिखा गया है। मुबारक शाह खिलजी ने खुद को खलीफा घोषित किया था। निम्न में से मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? अकबर, बाबर, शाहजहां, जहांगीर। यहाँ पे सी आपका सही आंसर होगा, शाहजहां के शासनकाल को ही स्थापत्य और वास्तुकला का स्वर्ण काल भी माना जाता है, क्योंकि इसके ही शासनकाल में कई भव्य इमारतों का निर्माण मुगल शासन में हुआ था। तो शाहजहां के को ही प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के भी नाम से पुकारा जाता है। एक और क्वेश्चन आता है कि जहांगीर का शासनकाल जो था वह चित्रकला का, कला का जो था वह स्वर्णयुग कहा जाता है। पाल वंश का संस्थापक था? धर्मपाल, देवपाल, गोपाल, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा सी नंबर, गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिसृत किस वर्ष किया था? 1919 में, 1927 में, 1938 में, 1945 में। सही आंसर होगा ए नंबर, 1919 में ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिसृत किया था। सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा सी नंबर, गुरु गोविंद सिंह जो कि सिखों के दसवें गुरु थे, इनका जन्म पटना के पटना साहिब में ही हुआ था, और इन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी, और पांच ककार जो सिखों के लिए था, कच्छा, कृपाण, कंघा, इस तरह से जो भी था, तो उनको इन्होंने नेसेसरी कर दिया और गुरु के पद को भी समाप्त कर दिया। गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु माना जाता है, आज भी सिख संप्रदाय में गुरु ग्रंथ साहिब जो धर्म ग्रंथ है उसकी ही पूजा की जाती है। अब सिखों में कोई भी गुरु नहीं थे, नहीं होते हैं, इसलिए सिख के अंतिम गुरु और दसवें गुरु के रूप में गुरु गोविंद सिंह को जाना जाता है। मिशन चंद्रयान 2 जो था, मिशन जो कि असफल रहा,
और वह किस व्हीलर के द्वारा लॉन्च किया गया था? GSLV MK3, PSLV C11, या फिर GSLV F11, या फिर PSLV C45। आपको बताना है कि चंद्रयान 2 मिशन को किस यान से प्रक्षेपित किया गया था? सही आंसर होगा ए नंबर, GSLV MK3 से, जिसे चंद्रयान 2 को प्रक्षेपित किया गया था। पौधे का कौन सा हार्मोन फसलों को गिरने से बचाता है? साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, या फिर एथिलीन? पौधे में मुख्यतः 5 हार्मोन होते हैं। आप कमेंट सेक्शन में उसका नाम लिखकर बताइए। तो यहाँ पे सही आंसर होगा सी नंबर, ऑक्सिन हार्मोन, जो पौधे को वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट किया गया है, कौन सा हार्मोन फसलों को गिरने से बचाता है? तो सही आंसर सी ही होगा, क्योंकि यही वृद्धि के लिए जिम्मेदार हार्मोन होता है। निम्न में से कौन सा हार्मोन गैसीय रूप में पाया जाता है? फ्लोरीजेंस, एस्कर्विक एसिड, इथिलीन, या फिर ऑक्सीन? सही आंसर होगा सी नंबर, इथिलीन एक ऐसा हार्मोन है जो कि गैसीय रूप में पाया जाता है। वह प्लांट हार्मोन का नाम बताएं जो फलों के पकने के लिए जिम्मेदार होता है? इथाइलीन, ऑक्सिन, दर्दनाशक, या फिर साइटोकाइनिन? आप ऑप्शन पे ध्यान ना दें, ऑप्शन आप मेरा सेट बनाने का मतलब आपके एग्जाम का परीक्षा नहीं लेना है, आपको कुछ जानकारियां देना है। तो वह प्लांट हार्मोन कौन सा है जो फलों के पकने के लिए जिम्मेदार होता है? इथाइलीन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, इन सभी में से आप बताइए। सही आंसर होगा ए नंबर, इथाइलीन हार्मोन फलों के पकने के लिए जिम्मेदार होता है। उस ग्रंथि का नाम बताइए जो रक्तचाप को नियंत्रित करता है। आपने ऐसे क्वेश्चन कई एग्जाम में देखे होंगे, थैलमस ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, या अग्नाशयिक ग्रंथि? कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो हमारे ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है? मानव शरीर का नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वह 120/80 होता है। इससे जब ज़्यादा होता है तो इसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं। हाइपरटेंशन, जब ब्लड प्रेशर 120/80 से ज़्यादा होता है, जब 120/80 से ब्लड प्रेशर घटता है तो उसे हम हाइपोटेंशन कहते हैं। सही आंसर होगा बी नंबर, अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा हमारा जो रक्तचाप होता है वह नियंत्रित होता है। मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है? अभी आपने पढ़ा था ग्रेनुलोसाइट, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ये सभी वाइट ब्लड सेल के प्रकार होते हैं। तो आपसे वही पूछा गया है, कहाँ पे इसका निर्माण होता है? पहला ऑप्शन है यकृत, बी ऑप्शन है अस्थिमज्जा, सी ऑप्शन है अग्नाशय, डी ऑप्शन है प्लिया। सही आंसर होगा बी नंबर, अस्थिमज्जा में ही लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। शिक्षा संबंधी सुधार किस मुगल बादशाह ने किए थे? बाबर ने, अकबर ने, औरंगजेब ने, जहांगीर ने? सही आंसर होगा बी नंबर, औरंगजेब, अकबर ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे। जबकि अकबर को मूर्ख बादशाह के नाम से जाना जाता है, वह मूर्ख था, लेकिन फिर भी उसने सहिष्णुता, सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता और शिक्षा का विकास, ये दो महत्वपूर्ण कार्य किए थे। डरबन नगर किस देश में स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में, ब्रिटेन में, ऑस्ट्रेलिया में, इनमें से कोई नहीं?
सही आंसर होगा ए नंबर, दक्षिण अफ्रीका में डरवन नहर स्थित है। राज्यपाल की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद के तहत आता है? राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति होता है और राष्ट्रपति को भी क्षमादान की शक्ति होता है। तो आपको बताना है यहाँ पे राज्यपाल का क्षमादान का शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 151 में, अनुच्छेद 150 में, अनुच्छेद 158 में या फिर अनुच्छेद 161 में? सही आंसर होगा डी नंबर, अनुच्छेद 161 में राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति का वर्णन किया गया है। जबकि मैं अन्य आपको बता दूं, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति का वर्णन अनुच्छेद 72 में किया गया है, राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति का वर्णन अनुच्छेद 161 में किया गया है। यह जो भी दंड दिया जाता है न्यायालय के द्वारा, जो भी दंड दोषी व्यक्ति को दिया जाता है उसका लघुकरण, मतलब उसके टाइम पीरियड को कम करना। अगर 7 साल के लिए कारावास दिया गया है तो उसे 3 साल कर सकते हैं, पूरी तरह से रोक लगा सकते हैं, उसमें देरी कर सकते हैं। जैसे फांसी की सजा है तो राष्ट्रपति को यह पावर, राष्ट्रपति तथा राज्यपाल को यह पावर होता है कि उसमें देरी किया जा सकता है। 10 दिन में है तो उसे 2 महीने के बाद फांसी की सजा होगी। इस तरह का अधिकार राष्ट्रपति और राज्यपाल को संविधान के तहत दिया गया है, जिसे हम इनके समाधान की शक्ति कहते हैं। पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 243A के तहत, 243C के तहत, अनुच्छेद 243B के तहत या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर होगा अनुच्छेद 243B के तहत पंचायतों के गठन का बात की गई है। नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? मराठा साम्राज्य से संबंधित प्रश्न है। बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ या माधव राव, किसे नाना साहेब के नाम से जाना जाता है? सही आंसर होगा बालाजी बाजीराव को नाना साहेब के नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध मुस्लिम साक्षिका चांद बीबी, जिसने बरार को अकबर को सौंपा था, हार पहले लड़ाई की थी, हारने के बाद बरार को अकबर को सौंप दिया था, तो वह किस राज्य से संबंधित थी? मतलब सीधा प्रश्न करें तो चांद बीबी किस राज्य से संबंधित है? बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बरार। सही आंसर होगा सी नंबर, यह अहमदनगर से संबंधित है। दीने इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? हुमायूं के द्वारा, जहांगीर के द्वारा, अकबर के द्वारा और शाहजहां के द्वारा? सही आंसर होगा सी नंबर, अकबर के द्वारा। सभी धर्मों में समभाव की दृष्टि से देखने के बाद दीन ए इलाही धर्म का शुरुआत किया गया था और इसका जो पहला अनुयायी था दीन ए इलाही धर्म का, वह राजा बीरबल था। बीरबल जो इसके मंत्री थे वही इस धर्म को सबसे पहले अपनाया था, दीन ए इलाही धर्म। और मैं आपको बता दूं, कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछा जाता है बीरबल का नाम क्या था, मतलब सही नाम क्या था, तो वह महेश दास के नाम से जाना जाता था। राजगृह में महावीर स्वामी ने सर्वाधिक निवास किस ऋतु में किया था? राजगृह भगवान बुद्ध और भगवान महावीर दोनों से ही संबंधित है। तो आपको पूछा गया है राजगृह में महावीर स्वामी ने सर्वाधिक निवास किस ऋतु में किया था? ग्रीष्म ऋतु में, वर्षा ऋतु में, शीत ऋतु में या फिर वसंत ऋतु में? सही आंसर होगा बी नंबर, वर्षा ऋतु में महावीर स्वामी ने सबसे अधिक निवास राजगृह में किया था।
मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई, नई दिल्ली, इलाहाबाद, कोलकाता। कई बार यह परीक्षा में पूछा गया है। सही आंसर होगा इलाहाबाद। इलाहाबाद में ही मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय है। जायकवाड़ी बांध किस नदी पर स्थित है? यानी जायकवाड़ी बांध परियोजना जो है यह किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र, सतलज, गोदावरी, सरावती। सही आंसर होगा यह गोदावरी नदी पर स्थित है। आप यहां देख रहे हैं जायकवाड़ी बांध का निर्माण गोदावरी नदी पर किया गया है। और किस स्थान पर स्थित है यह? महाराष्ट्र के ही पैठण, औरंगाबाद, इन सभी जगहों में यह जायकवाड़ी बांध परियोजना स्थित है। यानी आपसे पूछा जाए किस राज्य में है तो महाराष्ट्र में है, और किस नदी पर है तो गोदावरी नदी पर है। गुजरात में रानी की वाव एक मशहूर डैश है। फूलों की घाटी, बावड़ी, विश्वविद्यालय, मंदिर। सही आंसर होगा यह एक बावड़ी है, जिसे हम कुआं के नाम से जानते हैं। सीढ़ी वाला जो कुआं होता है उसे ही रानी की वाव के नाम से, बावड़ी के नाम से जाना जाता है। जैसे आपके यहाँ जो कुआं रहता है वो डायरेक्ट गहरा रहता है, बट ये गुजरात में जो रानी की वाव है या फिर ऐसे जितने भी बावड़ी हैं उनमें सीढ़ी के तहत आप नीचे की तरफ कुआं में उतरेंगे, तो यह एक बहुत ही मनोरम दृश्य होता है। ये देखिए आपको पिक्चर में दिख रहा है यह रानी की वाव जो गुजरात में स्थित है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि भारतीय कौन से नोट पर रानी की वाव का चित्र बनाया गया है। यह एग्ज़ाम में पूछा भी जाएगा कि कितने रुपये के नोट पर रानी की वाव का पिक्चर है। देखिए कितना सुंदर दृश्य है। तो रानी की वाव जो है वह भारत के गुजरात राज्य के पाटन में स्थित है। बावड़ी का मतलब ही सीढ़ीदार कुआं होता है। और भारतीय रिजर्व बैंक का जो 100 रुपये का नोट है उसमें इसे चित्रित किया गया है। और इस ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया। तो साल 2014 में इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। एक समतल दर्पण द्वारा परिवर्तित प्रकाश एक वास्तविक प्रतिबिंब का रूप ले सकता है। कब? यदि वस्तु दर्पण के बहुत निकट रखी होगी, यदि दर्पण पर पड़ने वाली किरणें अभिसारी होगी, किसी भी परिस्थिति में नहीं, यदि दर्पण पर पड़ने वाला किरण अपसारी होगा। अभिसारी का मतलब होता है जब किरणें एक जगह आके केंद्रित हो जाती है तो उसे अभिसारी कहते हैं। जब किरणें समांतर आती हुई किरणें जब लेंस या दर्पण से पास करने के बाद दूर दूर बिखर जाती है तो उसे हम अपसारी कहते हैं। सही आंसर होगा किसी भी परिस्थिति में नहीं। समतल दर्पण के द्वारा कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब ही हमेशा बनता है। ये भी पूछा जाता है आपसे वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वह कैसा होता है, उल्टा या सीधा। तो आपका सही आंसर होगा वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, जबकि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब आप देखते हैं वह आपको सीधा दिखता है। इसीलिए समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह हमेशा काल्पनिक ही हो सकता है, वह वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर, 20 नवंबर, 14 नवंबर या 20 अक्टूबर को? सही आंसर होगा 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि 14 नवंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस चाचा नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। 14 नवंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस और उसके ही 6 दिन बाद विश्व बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है 20 नवंबर को।
खुमान डासो के रचयिता कौन हैं? यह एक पुस्तक का नाम है, इसके रचयिता कौन हैं? दलपति विजय, चंद्रवरदाई, विठल दास, हरिसेन। सही आंसर होगा दलपति विजय ने खुमान डासो पुस्तक की रचना किया था। बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? मिजोरम में, मणिपुर में, त्रिपुरा में या फिर असम में? कहां पर बिहू त्यौहार मनाया जाता है? सही आंसर होगा बिहू असम का एक प्रसिद्ध त्यौहार है और असम का एक लोक नृत्य भी है बिहू। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तक्षशिला, नालंदा, कौसाम्बी, विक्रमशिला। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा कौसाम्बी। या विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था, यह 16 महाजनपदों में से एक है। जबकि मैं आपको अन्य सभी के बारे में कुछ बताऊं, क्योंकि यहाँ से आपको अक्सर प्रश्न देखने को मिलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने किया था। और अगर आपसे ये पूछा जाए सबसे प्राचीन विद्या स्थल का केंद्र कौन था, तो वह नालंदा विश्वविद्यालय ही था। जबकि अगर बात करें विक्रमशिला विश्वविद्यालय की, तो इसकी स्थापना धर्मपाल ने किया था। धातु के गुण का नाम बताएं जिसमें यह पतले तारों के रूप में तब्दील किया जा सकता है। सोनोरस, डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी या फिर कंडक्टिविटी। कौन सा गुण धातु में होता है जिसके कारण यह पतले तार में परिवर्तित किया जाता है? सही आंसर होगा बी नंबर, डक्टिलिटी गुण के कारण। डक्टिलिटी का मतलब ही होता है डक्ट, नाली को कहा जाता है। तो इस तरह से गोल गोल जो छड़ के रूप में बनाया जा सकता है, उसे ही हम डक्टिलिटी कहते हैं। एल्यूमिनियम को खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए क्यों प्रयोग किया जाता है? यह ताप का अच्छा सुचालक होता है, यह सोनरस होता है, यह लचीला होता है, ऊपर में से कोई नहीं। सही आंसर होगा ए नंबर, यह ताप का एक अच्छा सुचालक होता है, इसीलिए एल्यूमिनियम को खाना पकाने में उपयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम ताप और ऊष्मा का भी, ताप ऊष्मा या फिर आप इलेक्ट्रिसिटी का भी कहेंगे, तो उसका भी अच्छा चालक होता है एल्यूमिनियम। पारा के अलावा अन्य कौन सी धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होती है? पारा तो ऐसा धातु है जो तरल अवस्था में पाया जाता है। नॉर्मली धातुएं जितने भी होती हैं वह ठोस अवस्था में पाई जाती है, पर यहाँ पे आपको एक अलग सा ही क्वेश्चन पूछा गया है। पारा के अलावा कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाई जाती है? सोडियम, लिथियम, गैलियम, सीजियम। सही आंसर होगा सी नंबर, गैलियम एक ऐसी धातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है। आज भर के लिए इतना ही, मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 25 के साथ। तब तक के लिए मैं आपको बताना चाहूँ, आप अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने, अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल को दबा लें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 25 के साथ कल।